सोमवार को एनडीटीवी के कॉन्क्लेव यूथ फॉर चेंज में अलग अलग क्षेत्र की कई जानी मानी हस्तियां आईं और अपने अनुभव साझा किए। हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे बॉलीवुड के दो युवा गायक नीति मोहन और अरमान मलिक। उन्होंने कहा कि बदलते दौर के साथ बॉलीवुड संगीत तो बदला ही, संगीत प्रेमियों का मिजाज भी बदल गया है। एनडीटीवी इंडिया यूथ फॉर चेंज कॉन्क्लेव 2017 में हमारे साथ खास मेहमान नीति मोहन और अरमान मलिक मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, शो से जुड़ने के लिए अरमान। थैंक यू सो मच। क्योंकि ये यूथ फॉर चेंज कॉन्क्लेव है, सबसे पहली बात जो आपके जहन में आती है इस शो से जुड़ने के बाद? मुझे ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऐसे बहुत ही कम प्लेटफॉर्म है हमारे कंट्री में जहाँ पे फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं हम प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में। एंड डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से जो लोग आते हैं इंडिया से, वो अपना खुद का एक नॉलेज लेके आते हैं, अपना खुद का एक व्यू पॉइंट रखते हैं, तो वो लोगों के सामने लेके आने के लिए आई थिंक एनडीटीवी यूथ फॉर चेंज इज अ वेरी वेरी ऑसम प्लेटफॉर्म। एंड आल्सो यू बोथ ऑफ यू जी एक इंस्पिरेशन है आज के यूथ के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, टैलेंट बहुत है, वैसे कई शोज में आप खुद जुड़ चुकी हैं, आप जज हैं, बहुत टैलेंट है पर उनको आगे लाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे युवाओं को आज याद रखते हुए और आज के प्लेटफॉर्म को देखते हुए आपको लगता है कि वक्त बदल रहा है? गुड फॉर देम वक्त बदल रहा है और लाइक शो का ही नाम है यूथ फॉर चेंज और मुझे लगता है अरमान और मैं आज के यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने रियलिटी शो से ही अपना करियर शुरू किया था 2003 में और आई थिंक मैं आज जिनसे भी ये बात शेयर कर सकती हूँ उनसे करना चाहूँगी कि किस तरह से मेरा जो भी जर्नी रही है, जिस तरह के मेरा सफ़र रहा है, मुझे लगता है कि रियलिटी शोज से बहुत हेल्प मिलती है और उसके बाद लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। घर बैठे हमारे देश में कितना टैलेंट है वो देखने को मिलता है और उसके बाद अगर वो मेहनत और करें और लगन रखें तो वो डेफिनेटली प्लेबैक्स कर सकते हैं, अपने एक एस्टैब्लिश म्यूजिशियन बन सकते हैं देश के विदेश के। बिल्कुल मिक्स टेप के खास तौर से नीति अरमान बात करें तो बहुत आपकी डुएट वहाँ पे चल रहे हैं, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं और एक मेलोडी हमने देखी है पुराने दौर की आते हुए, पुराने सॉन्ग्स को जिस तरह से रिक्रिएट किया जा रहा है लेकिन मेलोडी वही है और लोग वो मेलोडी पसंद कर रहे हैं। एक दौर था जहाँ पे तड़कते भड़कते सॉन्ग्स आए, तड़कता भड़कता म्यूजिक आया, लोगों ने वो भी पसंद किया पर अब ये भी पुरानी मेलोडी लोग पसंद कर रहे हैं। उस पर कुछ कहकर और एक प्यारा सा कोई सॉन्ग ऐसा जो आपने पुराना कोई रिक्रिएट किया हो आप दोनों का डुएट हो? मैं बहुत ही खुश हूँ कि यू नो मेलोडी वापस आई है एंड लोग पसंद कर रहे हैं। एक्चुअली मेलोडी थी लेकिन उसको इतना कंसंट्रेशन नहीं दिया जा रहा था हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री में, लेकिन ऐसे गाने अभी पोस्टेरिटी के लिए बहुत रहेंगे फॉर द फ्यूचर, क्योंकि आप अगर सुनो ओल्ड गानों को आप अभी भी याद करते हो उन गानों को और आज भी आप सुनते हो उसे सुन के खुश होते हो। सो ऐसे भी गाने हैं हमारे दौर में भी जो आगे जाके लोग सुनेंगे, लोग खुश होंगे। सो आई एम रियली हैप्पी कि मिक्स टेप जैसा एक प्लेटफॉर्म आया जहाँ पे हमें मौका मिला रिक्रिएशन करने का थोड़े गानों का जो हम दिल से चाहते हैं। नीति, आल्सो डू यू थिंक कि आज, क्योंकि इरशाद कामिल जी भी हमारे साथ थे और मैंने उनसे काफ़ी बात की, लिखावट इतनी खूबसूरत हो तो गायकी में और भी मज़ा आता है? डेफिनेटली मज़ा आता है। उनकी लिखावट खास तौर से हो? जी हाँ, मुझे लगता है शब्दों में बहुत पावर है हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस कन्वे करने की, तो अगर शब्द लिखे जाएँ अच्छे तो फिर उस सिंपल सी मेलोडी भी बहुत इफेक्टिव हो जाती है। एंड आई थिंक वो ही है पुराने गानों का मैजिक जो आज भी हमें जो हमेशा कायम रहेगा। और आई थिंक मेलोडी गुड राइटिंग विल ऑलवेज स्टे स्ट्रॉन्ग। डेफिनेटली, इवन आई फील दैट कि लिरिक्स जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोशेंट है सॉन्ग्स के। मैंने खुद गाने गाए जिसमें लिरिक्स बहुत ही टच, मतलब व्हेन आई हर्ड द लिरिक्स, जब मुझे शीट आया लिरिक्स का गाने के लिए फॉर द रिकॉर्डिंग, तब मैंने पढ़ के आई फेल्ट कि आई फील सो स्पेशल कि ऐसा गाना भी मैं गा रहा हूँ। एक लाइन था, मैं रहूँ या ना रहूँ तुम मुझ में कहीं बाकी रहना, मुझे नींद आए जो आखिरी तुम मेरे ख्वाबों में आते रहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। सो व्हेन यू रीड दीज लिरिक्स, जब आपको ये शीट मिलता है ना, आप सोचते हो कि ऐसा गाना जब प्रेजेंट किया जाएगा वर्ल्ड को, व्हाट दे विल थिंक, व्हाट दे विल रिलेट टू, क्योंकि हर एक पर्सन की एक स्टोरी होती है। उस गाने को लेके वो अपने एंगल में वो सोचते हैं कि ये मेरे स्टोरी में कैसे फिट होती है, क्योंकि मैं रहूँ या ना रहूँ मेरे लिए वाज अ डेडिकेशन मेरे दादा को श्री सरदार मलिक, कि ही ऑलवेज वॉन्टेड अस टू कम इन टू म्यूज़िक एंड उन्होंने कहा कि यू नो मैं रहूँ या ना रहूँ तुम ये म्यूज़िक का जो लेगेसी है वो आगे बढ़ाते रहना। सो आई कनेक्टेड इन दैट वे। लोगों का एक है कि जब उनके पिताजी या माताजी नहीं है इस दुनिया में, सो दे फील कनेक्टेड टू इन दैट वे। जो वीडियो आया बाहर उसमें था कि यू नो वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया अपने यू नो लव को एंड वो किसी और के साथ चली गई, तो वो एक अलग एंगल है। सो
एक ही लिरिक्स अलग अलग लोगों के साथ किस स्टोरी में बैठती है वो लिरिक्स की वजह से, लिरिक्स लिखावट की वजह से होती है। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन नीति अरमान, बोले फ्यू अगर आप लोग बात कर सकें, आज के बदलते दौर में जो टेक्निकल तरीके से आप देखें, एक फ़ोन पर ऐप्स आ गए हैं और लोगों के लिए बहुत सारा आसान हो गया है, जो भी गाने वो सुनना चाहें, फोक म्यूज़िक हो या कोई भी सॉन्ग्स जो अवेलेबल हो उनके पास सुनने के लिए अवेलेबल होता है, तो ये दौर आपको लगता है कि बहुत अच्छा है म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए? मैं कहूँगी चेंज इज़ इनएविटेबल, चेंज से आप दूर नहीं जा सकते। एक टाइम ऐसा था जब हम रेडियो पे गाने सुनते थे, आज हम फिर आया कि टीवी पर हम रंगोली, चित्रहार, इस तरह के प्रोग्राम्स का वेट करते थे। आज समय ऐसा आ गया है कि इतने सारे टीवी चैनल्स हैं, उन पर इतना सारा म्यूज़िक आ रहा है कि अब लोग चूज़ कर रहे हैं कि उन्हें कब टीवी देखना है, तो अब फ़ोन पर टीवी आ चुका है, राइट? तो गाने भी उस तरह से अब सिर्फ सुने जा रहे हैं अपने फ़ोन पर, अपने कन्वीनियंस के लिए, बिकॉज सभी की ज़िंदगी इतनी बिजी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग बिजी हैं, आई थिंक हम सभी एक बहुत फास्ट मूविंग सोसाइटी में रह रहे हैं, तो इसीलिए म्यूज़िक भी उस तरह से बदल रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ चुकी है जिसकी वजह से नया साउंड आ रहा है, नए से नई धुनों को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पेश किया जा रहा है, हो रहा है। बट आई थिंक लॉट ऑफ पीपल समटाइम्स सी इट एज अ कि नहीं, पुराने सिंगर्स बहुत अच्छे से मेहनत करके गाते थे, आजकल ऑटो ट्यून लगा दिया जाता है। पर मैं कहूँगी वो ऑटो ट्यून एक्चुअली कंपोजर्स बहुत स्मार्टली यूज़ करते हैं। अगर आप सुनेंगे तो ऐसे गानों में यूज़ किया जाएगा जहाँ पर उसको एक अलग सा टोन देना है आपको, जहाँ पर आप स्पेशली इन डांस ट्रैक्स सुनेंगे उनको, हाँ, वहाँ पर आप एक अलग तरह सिंगर को ही थोड़ा एक एक्सप्रेस एज दे देते हैं आप उनकी वॉइस को, थोड़ा सा कुछ नया वो कराते हैं। बट जब आप लव सॉन्ग सुने तो वी आर एज रॉ एज वी आर, यू नो, लाइक राइट नाउ। ऐसे नहीं है कि देर इज़ अ कमी ऑफ सिंगर्स जो म्यूज़िक जानते हो, जिनको म्यूज़िक अच्छे से आता है, जिन्होंने संगीत सीखा है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी कंटेम्प्रेरी सिंगर्स है उन्होंने मतलब ऐसे ही दे आर सिंगिंग, बट दैट्स नॉट ट्रू। वी ऑल एक्चुअली हैव लर्न क्लासिकल म्यूजिक। नीति हैड अ बैकग्राउंड ऑफ लर्निंग म्यूजिक, मैंने भी खुद सीखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को कहना, टू द यूथ ऑल्सो, क्योंकि लोगों को ऐसा लगे कि फिर हम कुछ भी करें वी विल बी कॉल्ड सिंगर्स। दैट्स नॉट राइट, बिकॉज देर इज़ अ सर्टन डेडिकेशन, एक एडुकेशन होती है म्यूज़िक की भी, जो आपको राग्स पता होना चाहिए, यू नो, म्यूज़िक की। हमारी जो बॉलीवुड जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उसमें हर तरह का म्यूज़िक होता है, डांस नंबर्स भी होते हैं, सॉफ्ट नंबर्स भी होते हैं, लेकिन पूरी जानकारी होना ऑफ द म्यूज़िकल नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये यूथ को बताना कि म्यूज़िक सीखना चाहिए, एंड म्यूज़िक सुन के ही सिर्फ एवरीथिंग डज नॉट हैपन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप तालीम लो अपने गुरुजी से, या जहाँ पे भी आपको यू नो म्यूज़िकल ज्ञान मिले। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल दैट टू द यूथ। यस, दिस इज़ माई इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल द यूथ हु जो सोचते हैं कि सिंगिंग इज़ अ वेरी वेरी ईजी थिंग टुडे, बिकॉज क्योंकि टेक्नोलॉजी अपने फिंगर टिप्स पे है, यूट्यूब हमारे फिंगर टिप्स पे है, सोशल मीडिया है। सो मैनी पीपल थिंक कि मैंने थोड़ा सा एक गिटार कॉर्ड्स बजा लिया एंड एक लाइन गा लिया, आई एम अ सिंगर। नो, देर इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस दैट गोज इन टू, एंड नॉट ओनली इंडियन सिंगिंग, आपको दूसरे वर्ल्ड म्यूजिक भी सुनना पड़ेगा, वेस्टर्न म्यूजिक, R&B म्यूजिक होता है, पॉप म्यूजिक होता है, ये सब जो इन्फ्लुएंस होता है एक सिंगर को, ये आपको एक बॉलीवुड सिंगर बनाता है। क्योंकि बॉलीवुड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जॉनर का, वो कोई भी जॉनर आपको थ्रो करेंगे। आप रिकॉर्डिंग में आओगे, दे विल टेल यू कि वी वॉन्ट यू टू सिंग ऐसा गाना, एंड आप सुनोगे ये तो स्टाइल मैंने कभी सीखा ही नहीं है, बट यू हैव टू अडेप्ट। सो ये चीज़ें आपको सिर्फ सीखने से और सुनने से मिलेंगी। सो इट्स अ बिग मैसेज to all the youth who want to become singers, learn.